नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जम्मू कश्मीर बैंक में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें दो तरह की वैकेंसी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। पहला है आपका, इसमें बैंकिंग एसोसिएट की रिक्रूटमेंट हो रही है जिसमें 1200 पोस्ट हैं, और दूसरा है प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो है 250 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और इसका जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग एसोसिएट की, और लास्ट डेट है इसकी 10 नवंबर लास्ट डेट है। तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन या अलर्ट वगैरह देखना है तो www.jkbank.com पे विजिट करके देख सकते हैं करियर सेक्शन में, और यहाँ पे कुछ नीचे एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखी है और वैकेंसी के बारे में बताया है। यहाँ पे दे रहा है वैकेंसीज 1200 हैं एज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वायरमेंट, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट एज पर द पॉलिसी। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया है कि आपके पास में जो है कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हैं उसमें 55% नंबर होने चाहिए। 55% से कम नंबर रहेगा तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि 54.99% भी होते हैं तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी डिग्री 1/10/2018 से पहले आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/10/2018 के बाद आपकी कंप्लीट होती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप नहीं भर पाएंगे। और नीचे एज लिमिट दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी का एज लिमिट है 18 से 32 साल है, और SC ST के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 18 से 35 साल SC ST के लिए हो रही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो 2 जनवरी 1986 से पहले पैदा हुए हैं और जो 1 जनवरी सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखा है, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट अपेयरिंग ऑन द, ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और नीचे और हम आते हैं तो प्रोसीजर बताया है कि आपको क्या क्या करना है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ स्कैन करना है 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें। में अगर हम फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो 800 रुपये है, और SC ST और SC SC के लिए जो है वो 600 रुपये रखी गई है। एंड यहाँ पे और सब क्या क्या करना है, आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे हम IBPS में करते हैं वैसे यहाँ पे भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। और अब प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करते हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर की यहाँ पे 250 पोस्ट है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है कल यानी 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और 6 नवंबर तक इसका अप्लीकेशन आप जो है कि ऑनलाइन भर सकते हैं। और अलर्ट या फिर कोई और जानकारी के लिए आप www.jkbank विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स एंड एबव, कम से कम 60% नंबर है तभी आप जो है यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आप भर पाएंगे, और 1/10/2018 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लियर हो जाना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उससे बाद में अगर आपका रिजल्ट डिक्लियर होता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो आप नहीं भर पाएंगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी दिया हुआ है कि अगर आपका 69.99% भी है तो भी आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 60% या 60% से ज़्यादा ही होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, और SC ST वालों के लिए है 18 से 35 साल। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट 2 जनवरी 1988 से पहले पैदा हुए हैं और जो 1 जनवरी 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है अप्लाई करने का कि आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह अपलोड करना है यहाँ पे। और फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपये और SC ST के लिए है 800 रुपये, तो यहाँ फीस वगैरह में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नहीं तो नॉर्मली IBPS में हम देखते हैं, IBPS में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
यहाँ पे कलर फोटो स्कैन किया होना चाहिए एंड मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर लेफ्ट थंब एंड रिटर्न डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें हैं वही सब। ठीक है, तो अगर आपको बैंक की वैकेंसी भरनी है तो आप भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक का पीओ की वैकेंसी कल से स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, और बैंकिंग एसोसिएट की जो है कि वो 24 तारीख से आज से 5 दिन में स्टार्ट होगी। और यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सिलेबस है कि क्या क्या प्री में आता है, क्या क्या मेन में आता है, मेंस में आता है। तो और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह दिए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर और आउटसाइड जम्मू कश्मीर में कहाँ पे सेंटर होंगे। तो अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो बैंक एसोसिएट एंड बैंक ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ये दोनों वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, भर दीजिए। धन्यवाद।